हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी किटकैट चॉकलेट। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किटकैट चॉकलेट बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ओनली दो चीज़ों से किटकैट चॉकलेट घर में बहुत इजी से बन जाता है। एक वेफर्स है, वेनिला फ्लेवर का लिया, ऐसे पैकेट में आता है, सुपरमार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। और ए डार्क चॉकलेट का कंपाउंड लिया, ए मेल्ट कर लूँगी और इसको पीसेस में कट लूँगी और असेंबली करके किटकैट चॉकलेट बहुत इजी से बन जाएगा। शार्प नाइफ से वेफर्स को दो हिस्सा में कट के रेडी कर लेती हूँ। पहले ऐसे सारे कट के रेडी कर लेती हूँ। चॉकलेट को पीसेस में कट के तैयार कर लिया, अब ये मेल्ट कर लूँगी। पहले से ही पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। चॉकलेट को जो कट के रखा था डबल मेथड में अभी मैं मेल्ट कर लूँगी। बहुत इजी से मेल्ट हो जाता है। दो मिनट में ही सारे चॉकलेट मेल्ट होकर रेडी हो जाएगा। माइक्रोवेव में 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन माइक्रोवेव सबको पास नहीं रहता है, इसलिए मैं डबल मेथड में दिखा रहा हूँ। गैस पे ऐसे इजीली सब लोग कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो गया, देखिए बहुत इजी से 3 मिनट में ही चॉकलेट मेल्ट हो गया। अभी अगले प्रोसेस में जाऊंगी। इससे पहले एक ट्रे को मैं एलुमिनियम फॉइल से कोट कर दिया और इसके अंदर इसके ऊपर मैं चॉकलेट बना के रखूंगी। ऐसे एक एक वेफर्स लेते जाऊंगी और चॉकलेट में अच्छी तरह से कोट कर लूंगी और एक स्पून से एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल के और ऐसे ट्रे में रखते जाऊंगी। ऐसे बिना काट के भी ऐसे बड़ा साइज किटकैट भी कर सकते हैं और काट के छोटा साइज भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल के ऐसे डिश में रखते जाने का, चॉकलेट में डिप करते जाने का। ये बहुत इजी से घर पे बन जाता है। एल्युमिनियम फॉयल इसलिए मैं यूज़ किया, जब ये सेट हो जाएगा चॉकलेट निकलने में आसानी होगा इसके लिए। ऐसे सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। ऐसे सारे चॉकलेट को बना के तैयार कर लिया, अब सेट होने के लिए हाफ एन आवर्स फ्रिज में छोड़ देती हूँ। किटकैट चॉकलेट बन के रेडी हो गया। आप लोग बनाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।